कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा है। जी हाँ दोस्तों, वहां एक चेहरा जस्सी नाम का जो लड़का था वो सबके सामने आया था। दोस्तों अब चलेगा जस्सी पर देशद्रोह का मुकदमा। जस्सी की बातों से और उसकी मूवमेंट से यही लगा कि उसकी जो मूवमेंट है, जो गतिविधियां, वो अगेंस्ट आवर कंट्री है। तो दोस्तों अब चलेगा जस्सी पर देशद्रोह का मुकदमा। आपने सही सुना, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जस्सी पर देशद्रोह का मुकदमा आईपीसी के किस सेक्शन के तहत चलेगा और उसमें उसको सजा कितनी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें। आपको बताऊं कि जस्सी ने हमारे देश के खिलाफ जो कुछ भी बोला वो बहुत ही आपत्तिजनक है। आपको मैं सबसे पहले सुनाऊंगा कि जस्सी ने बोला क्या। नावीन लिया, ये गल सिर्फ खालिस्तान दी, तो कहना खालिस्तानी आ जाना, गल सिर्फ खालिस्तानिया दी है, ये सब खालिस्तानी है बाहर मुल्कां च रहने वाले। की गल तेनू वह होर तेरे नाल परसनल कोई, मैं कोई तेरी भैन कढ के लै गया, मैं हरियाणा दे सीएम दी भैन कढ लई, जिहड़ा कोई साडा परसनल रोला जां तो मैनू परसनली जानदा। जेड़े भी कुत्ते दे बच्चे साडे खालिस्तान दे खिलाफ बोलणगे, जेड़े कुत्ते दे बच्चे संत भिंडराले दे खिलाफ बोलणगे, जेड़े कुत्ते दे बच्चे खंडे दी बेइज्जती करनगे, असीं इक वी सुक्का नहीं छड्डना। दोस्तों वीडियो तो आपने पूरा देख ही लिया। इस वीडियो में ये बताया गया कि जस्सी ने किस प्रकार से हमारे कंट्री के खिलाफ बोला। तो दोस्तों जो हमारी कंट्री के खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोह के मुकदमे का सामना तो करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के अंदर सिस्टम है, एक लॉ है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बोलता है या हमारे देश के खिलाफ आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त होता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। आईपीसी के सेक्शन 121, आईपीसी के सेक्शन 121 में ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है, जो कोई हमारे भारत का नागरिक हमारे देश के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। कोई गतिविधियों में, ऐसी गतिविधियां जो हमारे देश के खिलाफ हो उनमें पार्टिसिपेट लेगा, उनमें भाग लेगा, वो गतिविधियां जो है, वो मूवमेंट जो है अगेंस्ट आवर कंट्री है, उसके लिए आईपीसी में प्रावधान कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 121 के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। आईपीसी के सेक्शन 121 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति हमारे देश के विरुद्ध गतिविधियों में भाग लेगा, पार्टिसिपेट लेगा या हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 121 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, देशद्रोह का उस पर मुकदमा चलेगा और उसे मृत्यु दंड मिलेगा या फिर उसे कम से कम आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे व्यक्ति जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, हमारे देश के खिलाफ गतिविधियों में पार्टिसिपेट लेते हैं, भाग लेते हैं और हमारे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो जो कुछ जस्सी के खिलाफ हुआ, यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होता है, हमारे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, हमारे देश के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोलता है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आईपीसी के सेक्शन 121 में यह प्रावधान किया गया है, प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? यदि अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल आपका अपना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं उन लड़कों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जिन्होंने जस्सी की देशद्रोह की गतिविधियों को पूरे देश के सामने लाया। एक सल्यूट तो उन सभी लड़कों के लिए, विशेषकर उन हरियाणा के लड़कों के लिए तो बनता ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ हरियाणा के लड़के थे, वो मेरे भारत के लड़के थे, तो उनके लिए एक सल्यूट तो बनता है। जय हिंद जय भारत। ओ भिड़ने का शौक से दुआ के भिड़ ले, चाल से काफिला गैलियार का, चाल तारे को नानक राव सन सरकार का। ओ हरियाणे वाले ईसा लठ गाड़ जा, पहली गोली खोपड़ी के पार काट जा, दूसरी पे फेर नाम बात छोड़ दे, यारियां में सदा ये जान रखा सा।
शौक रख से यारा बेलिया में पूरी वोट रख से मुंह चुप बात करे से असला छोरा बैरिया में पूरा खौफ रख से डेंजर इतने डेंजर शौक रख से यारा बेलिया में पूरी वोट रख से मुंह चुप बात करे से असला छोरा बैरिया में पूरा खौफ रख से ओ हरियाणे वाले ईसा लट्ठी गाड़ दिया पहली गोली खोपड़ी के पार काट दिया दूसरी पे फेर नाम बात छोड़ते यारियां में सदा ये जान रखा सा उम्र से छोटी दिखे बड़े कारनामे उम्र से छोटी दिखे बड़े कारनामे पैरियां मरुत काले का खौफ देख ले